दोस्तों आपने ब्लॉकबस्टर मूवी बाहुबली और बाहुबली 2 तो देखी होगी। दोनों फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इन फिल्मों में प्रभास और अनुष्का शेट्टी के साथ कई और कलाकार भी नजर आए। बाहुबली के बाद लोगों को बाहुबली 3 का इंतजार है। लोग जानना चाहते हैं कि इस बार फिल्म में कहानी क्या होगी, फिल्म में कौन से किरदार होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बाहुबली 3 की क्या कहानी रहेगी, इस बार फिल्म में क्या नया देखने को मिलेगा। अगर आप भी बाहुबली मूवी के फैन हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं महिष्मति राज के नए अध्याय के सफर की तरफ। फिल्मों को सुपरहिट कैसे बनाना है, इसी के साथ फिल्मों में कहानी, कलाकारों के सामंजस्य को कैसे बिठाना है, जाकर कोई सीखे एसएस राजमौली से, क्योंकि इन्होंने जितनी भी फिल्मों का निर्माण किया है, चाहे वो मगधीरा हो, मक्खी हो या फिर बाहुबली, सभी के सभी ब्लॉकबस्टर ही साबित हुई। इनकी आने वाली फिल्म आरआरआर को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट है फिल्म बाहुबली के तीसरे पार्ट को लेकर। फिल्म के डायरेक्टर राजमौली ने हाल ही में इंटरव्यू में बताया कि बाहुबली 3 की शूटिंग चालू हो चुकी है, जिसकी कहानी विजेंद्र राज प्रसाद लिख रहे हैं। राजमौली ने कहा कि वो ऐसी फिल्म नहीं बनाते जिसमें सिर्फ कमाई हो, बल्कि वो ऐसी फिल्म बनाते हैं जिसे दर्शकों का मनोरंजन भी हो, और बाहुबली उन्हीं में से एक है। राजमौली ने ये भी कहा कि मेरी फिल्म कभी भी रिलीज हो जाए, लोग बाहुबली का नाम सुनकर उसे देखने के लिए पहुंच जाते हैं, और इस फिल्म के जरिए मुझे इतना प्यार मिल रहा है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं जल्द ही बाहुबली का तीसरा अध्याय यानी कि बाहुबली 3 फिल्म को पर्दे पर रिलीज करूंगा, और मैं आशा करता हूं इस फिल्म को दर्शक पहले की तरह भरपूर प्यार देंगे। आपको बता दें, इस बार फिल्म की कहानी में भल्लाल देव का बेटा दिखाया गया है जो शिवा के हाथों मारा जाता है, पर सोचने वाली बात है कि भल्लाल देव की पत्नी का किरदार अभी तक नहीं दिखाया गया। लेकिन आपको बता दें, बाहुबली 3 में भल्लाल देव की पत्नी को दिखाया जाएगा, जो भल्लाल की मौत का बदला लेने के लिए महिष्मति वापस जाएंगी। यानी कि बाहुबली 3 में हमें बाहुबली की पत्नी देवसेना और भल्लाल देवी की पत्नी की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। अब देखना यह है कि राजमौली भल्लाल देवी की पत्नी का इस फिल्म में किस तरीके से फायदा उठाने वाले हैं, इससे इस फिल्म की कहानी और ज्यादा मजेदार हो जाएगी। बाहुबली 2 के कंक्लूजन में हमने देखा कि महेंद्र बाहुबली भल्लाल देव को मार देते हैं, लेकिन बिजाला देव का अंत नहीं दिखाया गया, जो भल्लाल देव को भड़काने और माता शिवगामी को दुख पहुंचाने का काम करता है। और बाहुबली के दोनों पार्ट में देखने के बाद हमें पता चलता है कि बदला लेने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है, और इस बार बाहुबली 3 में बिजाला देव को अपने बेटे भल्लाल की मौत का बदला बाहुबली से लेता हुआ दिखाया जाएगा, जो बदले की आग में सब कुछ भूल जाता है। अब देखना सिर्फ ये है कि किस तरह बिजाला देव बाहुबली भल्लाल देव की मौत का बदला लेते हैं। अगर आपको याद हो तो बाहुबली के फर्स्ट पार्ट में कटप्पा का इंट्रोडक्शन देते वक्त काबुल के एक शेख को दिखाया गया, जो कटप्पा की ईमानदारी को देख कर उनसे कहता है कि जब भी उन्हें जरूरत हो कटप्पा उनसे मदद मांग सकते हैं। आपको बता दें, ये शेख असलम खान का कैरेक्टर सुदीप ने प्ले किया था, जो कन्नड़ इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं, जिन्होंने कई फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। सुदीप को हाल ही में फिल्म दबंग 3 में विलन के रूप में देखा गया, जिसमें इनके अभिनय को काफी पसंद किया गया। आपको बता दें, शेख असलम के इस कैरेक्टर को बाहुबली 3 में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अरे कोई हमें भी इंट्रोड्यूस कर दो यार, जिसमें कटप्पा शेख असलम की मदद मांगते हुए दिखेंगे। अब इंतजार इस बात का है कि किस तरह कटप्पा शेख असलम से मदद मांगते हैं, क्या शेख असलम उनकी मदद करते हैं या नहीं। अब तो ये बाहुबली 3 में देखने को मिलेगा। इस फिल्म में कटप्पा का बहुत बड़ा रोल है, जो अपने वचन पर हमेशा अटल रहते हैं। फिल्म में बाहुबली कटप्पा को अपना मामा मानते हैं, लेकिन बाहुबली में हमने देखा था कि कटप्पा माता शिवगामी के कहने पर बाहुबली को मार देते हैं। कटप्पा, जिनके पूर्वजों का वचन है कि वो सदा महिष्मति और महिष्मति के राजा की रक्षा करेंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कटप्पा के पास्ट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया। आपको बता दें, इस बार बाहुबली 3 में कटप्पा का पास्ट दिखाया जाएगा, जो दर्शकों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाहुबली 3 में हमें देखने को मिलेगा क्यों कटप्पा महिष्मति राज्य के प्रति इतने ईमानदार हैं। फिल्म की कहानी के साथ अगर स्टारकास्ट की बात करें तो प्रभास और अनुष्का शेट्टी तो इस फिल्म में नजर आएंगे ही। इसी के साथ कहा जा रहा है कि इस फिल्म के स्टारकास्ट में थोड़ा बदलाव किया जाएगा। अब ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म में किसको लिया गया है, किसको नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। क्या आप भी बाहुबली 3 का वेट कर रहे हैं, हमें कॉमेंट में बता दो। और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो।